अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं महरीन दानिश। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूं टोमेटो केचप की बहुत आसान रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बगैर प्रिजर्वेटिव्स के। इसका टेस्ट होगा बहुत फैंटास्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। टमाटरों के अंदर होते हैं बेशुमार विटामिन्स, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होने के बाद मैंने इनको काट लिया है। ये देखें, ये कितने अच्छे कलर में हैं। अगर आप इनको इसी कलर में लेंगे तो आपको इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये किसी भी बहुत अच्छे ब्रांड से ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनेगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 किलो टमाटर। इनको मैंने धो के अच्छी तरह काट लिया है। साथ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं 4 to 5, एक अनियन मैंने लिया है, इसके साथ हम विनीगर यूज़ करेंगे, शुगर और सॉल्ट। यहाँ पे अब हम एक देचकी लेंगे और अपने टमाटरों को उसमें डाल देंगे। ये देखें, आंच आपने शुरू से लेके एंड तक लो टू मीडियम पे रखनी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आपने केचप लंबे अरसे तक के लिए सेव करनी है तो इसमें प्याज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे केचप जल्दी ख़राब हो जाती है।
अब हम एक देचकी लेंगे और टमाटरों का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इनको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटरों का पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। यहाँ पे हमारी केचप अभी तैयार नहीं हुई, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि केचप की थिकनेस कैसे चेक की जाती है। ये देखें, इसको मैंने प्लेट में डाला है और ये साइड से इसका पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी हमें 2 से 3 मिनट और चाहिए। ये देखें, 4 से 5 मिनट के बाद हमारी केचप में कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही। इसका मतलब है कि केचप बिल्कुल तैयार है। अब आप इस केचप को 2 से 3 वीक के लिए सेव कर सकते हैं। आपकी होममेड केचप बन के बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्योर है और आपने इसको घर में ख़ुद अपने हाथों से बनाया है। आप जब भी केचप बनाएं, इसको एयर टाइट जार में सेव रखें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।